नयन तारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एकादशी आ रही है तो हमने सोचा क्यों ना मैं आपको एकादशी स्पेशल श्रृंगार शालिग्राम जी का बताऊं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप मैं कैसे अपनी एकादशी पे शालिग्राम जी का श्रृंगार करती हूँ, उसी प्रकार आप भी इनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, ये मैंने पीला चंदन लिया है, ये लाल चंदन है और ये पानी है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा और ये टूथपिक है। तो इसी से हम जो है शालिग्राम जी का श्रृंगार करेंगे। तो एकादशी स्पेशल श्रृंगार है, आप कैसे कर सकते हैं तो इसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारे शालिग्राम जी हैं, देख रहे हैं, ये सिंहासन पे बैठे हैं और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि इनका श्रृंगार मैं किस प्रकार से। ये हमने पीला चंदन लिया है और टूथपिक की मदद से हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रृंगार में जो बनाएंगे वो इनकी आँखें बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसी प्रकार टूथपिक का पिछला हिस्सा, एक साइड तो नोक वाला हिस्सा होता है, नोक वाला हिस्सा आप मत यूज़ करिएगा, जो दूसरा वाला साइड का होता है थोड़ा सा मोटा हिस्सा उसे आप यूज़ करिएगा। तो इससे आँखें बहुत सुंदर बनेंगी। आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से हमें दोनों आँखें बनानी हैं, ऐसे ही आपको बनानी है। हो सकता है आप जब पहली बार बनाएं तो उतनी परफेक्ट ना बन पाए, तो आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी बन जाएंगी। इसी तरीके से आप इनको तैयार करते रहिए। तो इस प्रकार से हम इन्हें एकादशी पे जो है इनका अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, जिससे ये इनका जो मतलब इतने खूबसूरत लगते हैं, इतना मनमोहक इनका जो है लुक आता है कि आप देखते रहेंगे, मतलब कि बस इनको देखते ही रहें। अब जो है हम इनका मुंह वाला हिस्सा बनाएंगे। तो देखिएगा, आप देख रहे हैं इसी प्रकार से हमें बनाना है। चंदन जो है थोड़ा गाढ़ा रखिएगा, अगर बहुत पतला हो जाएगा तो वो बहने लगता है। आप चंदन किसी कटोरी में भी घोल सकते हैं, मैंने मिट्टी में इसलिए घोला, मिट्टी का बर्तन जो है सबसे शुद्ध माना जाता है और मिट्टी के में घोलने से ये फ़ायदा रहता है ना कि अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो उसको मिट्टी सोख लेती है, तो हमारा जो है चंदन गीला नहीं होता है और एक थिकनेस बनी रहती है। तो इसी प्रकार से हम इनकी मूंछें तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं आप, तो हमने इनकी मूंछें तैयार कर ली। अब हम इनका जो है तिलक लगाएंगे। इसी प्रकार से हमें इनका तिलक लगाना है। देखते जाइए आप किस तरीके से हम इनका श्रृंगार करते हैं। आपको पूरा श्रृंगार हम दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से इनका श्रृंगार कर रहे हैं, और इतना मनमोहक मतलब रूप आता है कि आप देखते रहेंगे। जब आप इनको एकादशी पे इस तरीके से श्रृंगार करेंगे तो मतलब बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर शालिग्राम जी लगते हैं। और इस प्रकार से हम इनकी एक सेवा भी करते हैं, क्योंकि जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें मालूम होगा विष्णु जी का स्वरूप ही है लड्डू गोपाल जी। तो अगर आपके घर में जो है विष्णु जी का स्वरूप ये होते हैं शालिग्राम जी, तो अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उनका एकादशी पे आप स्पेशल श्रृंगार जरूर किया करिए। यह हमने इनका पहले श्रृंगार का लुक आपके सामने प्रस्तुत किया है, और भी श्रृंगार हम करेंगे तो उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। देख रहे हैं ना कितना सुंदर लुक आ रहा है, देखते जाइए आप इन्हें कितने सुंदर और कितने मनमोहक लग रहे हैं। ये देखिए कितना मतलब मनमोहक और कितना मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं, देखिए आप कितने सुंदर लग रहे हैं। इसी प्रकार से हमें इनका पूरा श्रृंगार करना है। हमारे शालिग्राम जी का फाइनल लुक जो है वो तैयार हो गया है। देख रहे हैं ये अपने सिंहासन पे बैठ गए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए मतलब अद्भुत रूप है इनका कि आप देखती हैं तो नज़र ना हटे। अब हम इनको जो है पगड़ी लगाएंगे। तो पगड़ी आप अपने मनचाही लगा सकते हैं, जिस भी कलर की आप लगाना चाहें, जिस स्वरूप में आप इनको तैयार करना चाहें तो उस प्रकार से पगड़ी लगा सकते हैं। देखिए पगड़ी लग गई है और ये आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना अद्भुत स्वरूप। तो ऐसे ही आप इनको एकादशी पे तैयार करिए और फिर आप देखिए आपको इनका आशीर्वाद किस प्रकार से मिलता है। देख रहे हैं ना आप, ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है।